नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस कुमार ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिजली के बिल की छूट के विषय में। हाँ दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के बिल में भारी छूट लेकर आई है, तो जिससे मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिजली के बिल छूट का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, यह छूट उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के बकायेदार किसानों के लिए लेकर आई है। दोस्तों, जिन किसानों का बिजली का बिल बकाया है, यह छूट उनके लिए है। दोस्तों, इस छूट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के ब्याज में 100% छूट दे रही है। जिन किसान भाइयों का बिजली का बिल बकाया है, ये जानकारी उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप छूट का लाभ ले सकते हैं, क्या इसकी डेट होगी, कब से कब तक ये डेट रहेगी इसकी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार किसान आसान किस्त योजना के नाम से एक छूट लाई है बिजली के बिल में। जिनके निजी नलकूफ हैं, उनके लिए यह छूट लेकर आई है। दोस्तों, यह छूट मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में लागू होगी, जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी। दोस्तों, इस छूट का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत LMV 50 दर श्रेणी के निजी नलकूप क्षेत्र विद्युत उपभोक्ताओं के लिए किसान आसान किस्त योजना लागू की है, उसके तहत लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूंगा इस योजना से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। दोस्तों, इस योजना के तहत आपको 31/1/2020 तक के बिल के भुगतान पे 100% लाभ मिलेगा, यानी कि 100% ब्याज में छूट मिलेगी। मतलब आपका जो भी मूल बकाया है उस पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। 6 आसान किस्तों में आप जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत 1/2/2020 से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि है 29/2/2020, मतलब 1 फरवरी से 29 फरवरी तक आपको के अंदर आपको बिल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको, तभी आप इसमें पंजीकृत होंगे और छूट का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, पंजीकरण कार्यालय, आशासी अभियंता कार्यालय, FDO कार्यालय या CSC केंद्र में भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको केवल अपना अकाउंट नंबर आपको वहां पे बतानी होगी, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों, पंजीकरण के समय आप मोबाइल नंबर जरूर देना होगा। अगर आपको बिल संशोधन कराना है, कुछ गड़बड़ी है तो उसको सही कराने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। बिल संशोधन का भी ऑप्शन मिलेगा उसमें, तो आप बिल संशोधन पे डाल देंगे तो आपका बिल संशोधन का समय मिल जाएगा आपको। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, पंजीकरण के समय आपके बिल में जितनी बकाया धनराशि दिखाई दे रही है उसमें सरचार्ज भी जुड़ा होगा, उसका 5% आपको पंजीकरण के समय जमा करना होगा या न्यूनतम 1500 जमा करने होंगे। इसके उपरांत आगे के महीनों का बिल किस्तों के साथ निर्गत होगा। मतलब आप एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, कि आगे के महीने जो भी हैं, आप जनवरी तक आपको छूट दे रहे हैं, जनवरी से आगे जितने भी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनका भी बिल आपको जमा करना पड़ेगा। साथ में आपकी जो किस्तें बनेंगी उसी के साथ ही इनका भी बिल जमा होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपने संशोधन का ऑप्शन चुना हुआ है तो उसमें अधिशासी अभियंता को 15 दिन के अंदर आपका बिल संशोधित करना होगा और उसकी सूचना वो आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा दे देंगे। दोस्तों, अगर आपका बिल कम है तो आपको तब भी आपको मिनिमम कोई भी किस्त दोस्तों 1500 से नीचे नहीं होगी। तो दोस्तों, इसमें आप जो मैंने आपको बताया, 3 प्रकार से आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अधिशासी अभियंता कार्यालय से, SDO कार्यालय से और जब जन सुविधा केंद्र से रजिस्ट्रेशन करा के आप अपने बिल में छूट पा सकते हैं। इसमें अधिकतम 6 किस्तों में आपको जमा करने का ऑप्शन मिलेगा। 31 जनवरी 2020 तक के बिल के आगे जो भी महीने होंगे उनका भी बिल आपका किस्त के साथ जमा हो जाएगा। कोई भी किस्त दोस्तों 1500 से नीचे नहीं होगी। जैसे आपका बिल 3000 बना है तो आप 1500 की 2 किस्तें बन सकती हैं अधिकतम, इससे ज्यादा किस्तें नहीं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।